महादेव देवी पार्वती से बोले कि आज उन्होंने एक नए खेल का निर्माण किया है। उनके अनुरोध पर माता पार्वती उनके साथ चौसर खेलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि चौसर का निर्माण महादेव ने किया था, इसलिए वे उस खेल में जीते ही जा रहे थे। अंत में माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी इस खेल का निर्माण आपने किया है, अतः आप इस खेल को जीते जा रहे हैं, परंतु खेल के कुछ नियम भी होते हैं, आप खेल के नियम बनाइए, उसी के पश्चात देखना मैं आपको एक भी बाजी जीतने का मौका नहीं दूंगी। ठीक है पार्वती, अब हम इस खेल के नियम बनाएंगे। मैं तुम्हें इस खेल के कुछ नियम बताता हूँ। एक एक करके सब कुछ दाव पर लगेगा और जो हारेगा उसे अपनी सभी वस्तुएं हारनी होंगी। देखते हैं आज की बाजी कौन जीतता है। महादेव ने चौसर के नियम बनाए और एक बार फिर चौसर का खेल शुरू हो गया। इस बार माता पार्वती बार बार जीतने लगी और थोड़े ही समय में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। देखा स्वामी, मैंने आपको हरा ही दिया। हाँ पार्वती, अब तो मैं सब कुछ हार चुका हूँ, इसलिए कैलाश पर्वत पर मेरे रहने का अब कोई मतलब नहीं। अब मैं कैलाश भी हार चुका हूँ, इसलिए अब खेल के नियम के अनुसार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्वामी, ये तो एक खेल था, आप इसे इतनी गहराई से क्यों ले रहे हैं? ऐसे आप मुझे छोड़कर थोड़ी चले जाएंगे। पार्वती, तुमने ही तो मुझे खेल के नियम बनाने के लिए कहा था, और नियम के अनुसार हारने वाले को अपना सब कुछ त्याग कर जाना होता है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ताकि आप कोई भी कैरेक्टर मिस ना। स्वामी सुनिए तो, स्वामी भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को नहीं सुना। वे उनसे रूठने का नाटक करके गंगा नदी के तट पर चले गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान कार्तिकेय कैलाश लौटे तो उन्होंने भगवान शिव के बारे में पूछा, तो उन्हें सारी बात पता चली, तो वे भगवान शिव के पास चले गए। अब तो महादेव भी जा चुके थे और कार्तिकेय भी, इसलिए माता पार्वती और चिंतित हो गई। गणेश जी से अपनी माता की चिंता देखी नहीं गई। वे भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण करते हुए मिले। विष्णु जी भी उनके साथ थे। पिताश्री, माताश्री आपके बिना बहुत दुखी हैं। वे आपको बहुत याद कर रही हैं। उन्होंने मुझे आपको अपने साथ लेकर चलने के लिए आग्रह किया है। कृपा करके मेरे साथ चलिए। पुत्र, तुम्हारी माता मेरे साथ एक बार फिर चौसर का खेल खेले तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यही नियम है। मैंने अपना सर्वस्व खेल में हारा है, उसे वापस लाने के लिए फिर से एक बार खेल तो खेलना ही होगा ना पुत्र। ठीक है पिताश्री, मैं आपका ये संदेश माताश्री से कह देता हूँ। माता पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चूँकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में माता पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया था, पर ये बात माता पार्वती को पता नहीं थी। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृतांत माँ को बताया तो वह भयंकर क्रोधित हो उठी। पिताश्री, आपके साथ छल हुआ है। विष्णु जी पासे के रूप में हैं, इसलिए पिताश्री खेल की हर बाजी जीत रहे हैं। पिताश्री जैसे जैसे चाहते हैं, विष्णु जी वैसे वैसे चाल चल रहे हैं। क्या इतना बड़ा छल? स्वामी आप जानते हैं खेल में छल करना कितना बड़ा पाप है, क्या आपको यह शोभा देता है? तभी विष्णु जी अपने रूप में वापस आ जाते हैं। क्षमा करना देवी पार्वती, मुझे लगता है हमसे अवश्य ही भूल हुई है। देवी पार्वती, मेरी इस गलती से तुम्हें ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं भी तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तो बस हंसी ठिठोली कर रहा था, पर बात इतनी बढ़ जाएगी ये आभास नहीं था। विष्णु जी और देवर्षि नारद तो केवल मेरे कहे अनुसार ही कार्य कर रहे थे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, आपको यूं क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। शायद मैंने भी खेल खेल में नियम कुछ ज्यादा ही सख्ती से ले लिए। महादेव, आपको भी तो इस वजह से बहुत परेशानी हुई, मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। स्वामी, मेरी वजह से आप भी तो बहुत परेशान हुए। और फिर इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव के बीच फिर से सुलह हो गई। सच में पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है, कभी कभी खट्टा मीठा मनमुटाव उनके प्रेम से परिपूर्ण रिश्ते में और भी मजबूती लाता है।